हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार UVCompetitions चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके। यह करंट अफेयर्स आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, सभी कंपटीशन एग्जाम्स, चाहे SSC दो, UPSC दो, चाहे RS दो, IAS दो, चाहे स्टेट का एग्जाम दो, चाहे सेंटर के एग्जाम दो, सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, आज 25 नवंबर 2018 वार रविवार, 25 नवंबर 2018 की प्रमुख घटनाएं जो कि आपका करंट अफेयर्स है, वो हम आपको डेली अपडेट करते हैं। साथियों, यदि आपने UVCompetitions चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो UVCompetitions चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना इच्छुक हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर विवेक कुमार के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर मुझे फॉलो करें और राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डेली पढ़ने का मजा लें। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज, हेल्प सेंटर के लिए आप UVCompetitions जो कि इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप ए डोमेस्टिक गोल्ड काउंसिल इन इंडिया। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सुरेश प्रभु स्टेट दिस वाइल इनोग्रेटिंग दैट सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया गोल्ड एंड ज्वेलरी समिट इन न्यू दिल्ली। भारत सरकार ने भारत में घरेलू स्वर्ण परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में भारत के स्वर्ण और आभूषण शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए यह कहा है। नेक्स्ट, झारखंड डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI इन गोवा। झारखंड इज द फोकस स्टेट एट दिस ईयर्स IFFI गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में झारखंड दिवस मनाया गया। इस वर्ष के IFFI में झारखंड फोकस राज्य है। नेक्स्ट, द 15th यूनियन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन लंग हेल्थ विल बी हेल्ड इन हैदराबाद। ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन दिस फील्ड अनाउंस्ड। इस क्षेत्र में काम कर रहे एक वैश्विक संगठन ने घोषणा की है कि 2019 में 50वां वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन लंग हेल्थ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। ये थे नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचार। अब बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। द 8th फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड FILA वाज रिलीज्ड इन मुंबई। द अवार्ड हैड 9 कैटेगरीज टू एक्नॉलेज द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ CEOs, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस लीडर्स ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड। द थीम ऑफ द अवार्ड वाज सेलिब्रेटिंग अचीवर्स एंड दियर रिमार्केबल जर्नी अगेंस्ट ऑल ओड्स। 8वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स FILA फिलहाल को मुंबई में जारी किया गया। इस पुरस्कार में CEO, उद्यमियों और विविध पृष्ठभूमि के व्यवसायिक नेताओं के उत्कृष्ट योगदान को स्वीकार करने के लिए 9 श्रेणियां थी। पुरस्कार की थीम थी सेलिब्रेटिंग अचीवर्स एंड दियर रिमार्केबल जर्नी अगेंस्ट ऑल ओड्स। नेक्स्ट है बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग समाचार। मार्केट्स रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI हैज बिकम आउट विद न्यू रूल्स फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ ए प्रमोटर एज ए पब्लिक इन्वेस्टर वेयर इन एन आउटस्टैंडिंग आउटिंग प्रमोटर विल हैव टू रिलिंक स्पेशल राइट्स एज वेल एज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द लिस्टेड फर्म एंड नॉट बी अलाउड टू होल्ड ओवर 10% स्टैक। बाजार नियामक सुरक्षा और विनिमय बोर्ड SEBI एक प्रमोटर के पुनर्वितरण के लिए सार्वजनिक निवेशक के रूप में नए नियमों के साथ बाहर आया है।
जिसमें एक आउटगोइंग प्रमोटर को विशेष अधिकारों को छोड़ना होगा और सूचीबद्ध फर्म के मामलों पर नियंत्रण रखना होगा और 10% से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है पॉपुलर सिंगर नाहिद अफरीन ऑफ आसाम हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट यूथ एडवोकेट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बाय द यूनिसेफ टू फाइट फॉर चाइल्ड राइट्स। असम की लोकप्रिय गायक नाहिद अफरीन को बाल अधिकारों के लिए लड़ने के लिए यूनिसेफ द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले यूथ एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आया रैंक एंड रिपोर्ट्स रैंकिंग रिपोर्ट्स। आंध्र प्रदेश हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद द हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी फॉलोड बाय राजस्थान एंड हरियाणा एज पर द इंडिया स्किल रिपोर्ट 2019। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार आंध्र प्रदेश शीर्ष पर, राजस्थान और हरियाणा उसके बाद उच्चतम रोजगार के साथ राज्यों की सूची में सबसे ऊपर हैं। स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार। एमसी मैरी कॉम हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू विन 6 बॉक्सिंग वर्ल्ड टाइटल बाय क्लिंचिंग द 48 kg गोल्ड एट द 2018 AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली। एमसी मैरी कॉम ने नई दिल्ली में 2018 AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम स्वर्ण जीतकर में स्वर्ण जीतकर 6 मुक्केबाजी विश्व खिताब जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास बनाया है। नेक्स्ट फॉर्मर चेलेसिया स्ट्राइकर डिडियर ड्रोगबा अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट कॉलिंग टाइम ऑन ए 20 ईयर कैरियर इन विच टू बोलिस सेंटर फॉरवर्ड वन फॉर प्रीमियर लीग टाइटल एंड द 2012 चैंपियंस लीग। पूर्व चेल्सी स्ट्राइकर डिडियर ड्रोगबा ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। 20 साल के कैरियर पर समय बिताने के दौरान जिसमें बुलिस सेंटर फॉरवर्ड ने 4 प्रीमियर लीग खिताब और 2012 चैंपियन लीग जीती। नेक्स्ट इज ऑप्टोरिज निधन फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर संदीप माइकल हु कैप्टन्ड द इंडियन जूनियर टीम टू ए गोल्ड एट द एशिया कप 2003 डाइड एट द एज ऑफ 33 आफ्टर बैटलिंग एन अनस्पेसिफाइड न्यूट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम। एशिया कप 2003 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय जूनियर टीम का नेतृत्व करने वाले पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी संदीप माइकल का एक अनिर्दिष्ट न्यूरोलॉजिकल समस्या से जूझने के बाद 33 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। लास्ट न्यूज है क्लासिकल म्यूजिक स्टालवार्ट उस्ताद इमरत खान हु डेडिकेटेड हिज लाइफ टू प्रोपोगेटिंग द सितार एंड द सुरबार वर्ल्ड वाइड हैज डाइड इन द US आफ्टर ए ब्रीफ इलनेस ही वाज 83 ईयर्स ओल्ड। दुनिया भर में सितार और सुरबहार का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद इमरत खान का एक संक्षिप्त बीमारी के बाद अमेरिका में निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे वीडियोज को शेयर करना ना भूलें और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।